अध्यक्ष जी, मेरे विधानसभा बाड़ा में कितने स्कूल हैं जिनमें टीचर्स नहीं है, मैं पूरी डिटेल्स लेके आई हूँ। मैं उन स्कूलों में भी जाके आई हूँ जहाँ जहाँ बिल्कुल टीचर्स नहीं है। हंसावास का तो ये हाल है कि सिर्फ मुख्य अध्यापक को छोड़ के एक भी टीचर वहां नहीं है। अभी पीछे ग्रामीणों ने स्कूल में ताला भी जड़ा था और बड़ी मुश्किल से स्कूल को खुलवाया है। फिर बाड़ा का राजकीय स्कूल है, यहाँ संस्कृत का टीचर नहीं है। दुधवा का है, इसमें अंग्रेजी का टीचर नहीं है। गसोला में अंग्रेजी और SS दोनों। चांदवास, खोरड़ा, बलकरा, बेरला, सारे स्कूल जब से ये टीचर्स की पोस्ट कैप की है ना अध्यक्ष जी, तब से कोई टीचर वहां नहीं है। तो मेरे आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से मांग है कि प्लीज आप टीचर्स को भेजने का काम करिए, नहीं तो बच्चों का जो साल है ना वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। खासकर हंसावास में तो एक भी टीचर नहीं है कि हमें खुद को ये बात कहते हुए इतनी शर्म आती है कि खुद की सरकार होने के बावजूद भी और स्कूल में टीचर्स नहीं है। तो मैं तो ये पूछ लूं कि आप टीचर्स हमें कब तक दे दोगे, थोड़ा सा बताने का काम कर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदवास, यहाँ कुल पद 17 हैं, 11 भरे हुए हैं, 6 खाली हैं और एक कौशल रोजगार के तहत हमने एक पद के लिए भेज दिया। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दांडी है जहाँ 17 पद हैं, 12 भरे हुए हैं, 5 खाली हैं, वहां भी हमने कौशल रोजगार के तहत एक पद के लिए कहा है। गवर्नमेंट सीनियर हाई स्कूल हंसवास है, यहाँ 4 पोस्टें हैं लेकिन टीचर 5 है। जो है मुख्य अध्यापक है, आपसे विजिट करवा लो अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। सिर्फ मुख्य अध्यापक की जगह पूरा का पूरा स्कूल खाली है, टीच बच्चे आते और वापिस चले जाते हैं। कौन सा जी? नहीं, जो जो आपने बताया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ा है, यहाँ पे 39 की बात करें, 27 भरे हुए हैं, 13 हंसवा की बात कर रहे हैं वो, है जी सर। हंसावास की बात कर रही हूँ मैं। पूरे स्कूल में सिर्फ एक मुख्य अध्यापक है और टीचर है ही नहीं पूरे स्कूल में। हंसावास में तो फालतू है जी, एक नहीं, 4 टीचर पद नहीं, 4 सर, है ऑन रिकॉर्ड सारी नहीं। आपके पास जो भी जानकारी जिसने भी दी है वो बिल्कुल गलत दी है। मैं एक एक टीचर्स का रिकॉर्ड लेके आई हूँ सारे गाँव का, मैं आपको अभी टेबल कर देती हूँ। और हंसावास कला नहीं, देखिए मैं इसकी दोबारा जानकारी लेके बताऊंगा, लेकिन जो जानकारी है वो 4 है और 5 वहाँ है। नहीं, ये जो बता रहे हैं कि 2 हंसवा कला एक है, हंस कला में मैं कह रही हूँ पिछले दिनों पूरे गांव के लोगों ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया, स्कूल के लोग की है स्कूल को कला नहीं है, हंसावास हंसावास कला की बात कला में हंसावास कला नहीं। इसमें देखो, इसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसावास नहीं, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल हंसावास है, वो दूसरी बात कर रहे हैं। आप सीधे आपने कला का प्रश्न नहीं लगाया, कला का ही लगाया सर। ये रहा मेरे पास जो आपका रिप्लाई भी है 3 नंबर पे, वो इसके ही है। मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ, ये मैं लेके आई हूँ सारे स्कूल की भी। आपका 3 नंबर पे जो रिप्लाई है इसमें चार्ट में, गवर्नमेंट हाई स्कूल हंसावास कला, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसावास, ये तो मेरे पास, हमारे पास तो जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल हंसावास कला है। अच्छा, फिर ये मेरे पास हंसावास ही लिखे 3 नंबर पे ना जी? हाँ, 3 नंबर पे। हाँ क्या इसमें TGT के हैं जी 1, ESHM 1 और PRT 2, 4 है जी, 5। मंत्री जी, सदस्य जो बता रहे हैं कि वो खुद जाके आए हैं, हर स्कूल में नहीं हूं। अगर ये रिपोर्ट सही नहीं है तो ये तो हाउस के साथ मजाक है। मैंने इसकी हाउस की इसकी, सर मैंने एक एक स्कूल विजिट किया, एक बार भी नहीं, मैं 2-2 बार गई हूँ। हंसावास कला जो है उसका तो सुबह से लेकर शाम तक लॉक किया है गांव के लोगों ने, बाहर बैठ के। मैं खुद जाके SDM को जाके खुलवा के आई हूँ। अगर मान्य सदस्य की बात सही है और अगर ये जानकारी गलत है तो निश्चित तौर से अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें। और जहां तक डिटेल्स दे रही हूँ मैं आपको मंत्री जी, सारी डिटेल्स दे रही हूँ जिस जिस स्कूल में जो है।
आप एक बार चेक करवाओ प्लीज इनको, टीचर्स की बहुत भारी कमी है स्पीकर। मैं आपको विश्वास दिला रहा है कि निश्चित तौर से उसको चेक कराएंगे, जिस भी अधिकारी गलती है अगर इस प्रकार की जानकारी उसने दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई। हाँ जी, ये जो मास्टरों की कमी का विषय है ये जनरल विषय है, मेरा अनुरोध है कि जहाँ से प्रश्न लगे उसका नहीं, बाकी जगह भी टीचर्स की कमी है, ओवरऑल कमी है, उसको जरा रेमेडी करवा दो। मैं उसकी भी एक मिनट दी, एक मिनट मैं उसकी जानकारी देता हूँ। ठीक, अभय सिंह जी ने जो बात कही वो बड़ी जेन्युइन बात है। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा इंक्वायरी कराएंगे। देखिए, हमारे पास 573 पद जो हैं वो प्रिंसिपल के खाली है, प्रिंसिपल के पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे, प्रमोशन के लिए केस विभाग के द्वारा मांग लिए गए। 302 पद जो है हेडमास्टर प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे, प्रमोशन के केस हमने विभाग ने मांग लिए। और दूसरे पीजीटी के हमारे पास 8567 जो पद हैं वो रिक्त हैं, 3863 पद शेष हरियाणा और 663 पद मेवात के लिए, एचपीएससी को हमने भेज दिए हैं भर्ती के लिए, और 877 पद कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हमने भरने के लिए भेज दिए, शेष पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। दूसरा हमारे पास है ईएसएचएम के, इसके हमारे पास 730 जो पद है हमारे पास सरप्लस है, क्योंकि जो अभी मर्ज किए स्कूल तो उसकी वजह से, क्योंकि आठवीं के हेडमास्टर थे ये, वो मैंने उसमें ले लिए। और दूसरा टीजीटी के जो है वो 17910 पद जो है हमारे पास खाली है, जिसमें हमने टीजीटी के अध्यापकों के चयन नियम 2012 में संशोधन के बाद 7471 पद सीधी भर्ती के लिए हमने एचएसएससी को भेजने की प्रक्रिया जल्दी हम कर देंगे और ये जल्दी नियुक्त हो जाएंगे। और 5624 पद जो है वो कौशल रोजगार के माध्यम से भरने के लिए हमने भेज दिए, शेष पद जो है हमारे प्रमोशन के द्वारा हम इसको भरने का काम करेंगे। इसके बाद पीआरटी है, पीआरटी के 861 पद की हमारे पास है, लेकिन 1483 पीआरटी पद को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमने अपॉइंटमेंट के लिए ऑफर कर दिया, जल्दी उनकी हम भर्ती कर देंगे वो सारे पूरे।